हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं ओसरिंग मार्केटिव हेयरस्टाइलिस्ट सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दिस लेटेस्ट हेयरस्टाइल है ट्यूटोरियल। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयरस्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। और दोस्तों, हमारी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं इन दिल्ली में फ्रॉम मई मंथ से एट उत्तम नगर। फॉर मोर इंक्वायरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9650674581। फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मैं अभी दे देता हूँ। बेसिकली एकेडमी में बेसिक टू एडवांस का हेयर कोर्स हमने रखा हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन है 3 वीक्स की और मॉर्निंग के बैचेस हैं। 8 से 12 बजे की क्लासेस हैं, 4 घंटे की क्लासेस हैं। जो लोग केवल एडवांस हेयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए स्टाइलिंग स्कड्यूल के अकॉर्डिंग आप बीच में ज्वाइन आप कर सकते हो। चार्जेस एंड फी कंसेशन वी विल मैनेज फॉर यू। सो दोस्तों, वीडियो शुरू कर सकते हैं, डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं सुनील, मार्केटिव हेयरस्टाइलिस्ट। और इस स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको करनी है नीट एंड क्लीन ब्रॉड आई। क्रिम्पिंग करनी है तो आप कर सकते हो। मोर वॉल्यूम एंड टेक्सचर के लिए दोस्तों ए टू ईयर पार्टीशन लेना है आपको। और पार्टीशन आप जिधर भी दे रहे हो, लेफ्ट या राइट, आपको उस साइड के पार्ट को थोड़ा सा आपको सेक्शन जो लेना है एयर से थोड़ा पीछे रखना है। ये देखिए, मैंने राइट साइड में थोड़ा सा बैकवर्ड रखा है सेक्शन। देन बैक पार्ट को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है इस तरीके से, और पोनी बना लेनी है ये देखिए। देन पोनी के नीचे से आपको बेस लगाना है इस तरीके से। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टफिंग, फेक हेयर या डोनट आपके पास में अवेलेबल हो तो आप डोनट भी यूज़ कर सकते हो, या डोनट को ओपन करके जैसे मैं इसका नेट यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो इसको एज अ स्टफ की तरह ये देखिए। देन हम इसको बॉबी पिन से इसको सिक्योर कर लेते हैं टाइट करके। आप इसको चारों तरफ से इसको लॉक कर लीजिएगा टाइटली करके, बिकॉज हम इसके ऊपर फिर पैटर्न बनाएंगे तो इसी के ऊपर स्टे करेगा। तो इसको अच्छे से आप पिनअप कर लीजिए ये देखिए इस तरीके से। देन आपको ये यू पिंस यूज़ करनी है, जूड़ा पिंस आप कह सकते हैं, जूड़ा पिंस आपको यूज़ करनी है इसकी सिक्योरनेस के लिए। देन जो पोनी हमने बनाई थी उसमें से आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके पहले इसको छोटा छोटा बैक कॉम करना है। हम फुली बेस को कवर कर रहे हैं, जो बेस हमने यूज़ किया है, स्टफिंग जो हमने यूज़ करी है ये देखिए। मैं जस्ट छोटा छोटा बैक कॉम कर रहा हूँ, स्मॉल बैक कॉम। इससे ये होता है कि आपका सेक्शन जो है वो एज अ नेट की तरह स्प्रेड होने लग जाता है। तो आपको ये बहुत छोटा छोटा बैक कॉम करना होता है, स्मॉल सेक्शन लेके ये देखिए इस तरीके से आपको ये बैक कॉम करना है। देन आपको ऊपर से उसको नीट कर लेना है ताकि वो फ्रिजी ना लगे ये देखिए। पहले हमने इसको पहले सेक्शन से इसको कवर किया है, इसको हम कवर कर लेते हैं ये देखिए। ये जूड़ा पिन से आप इसको सिक्योर करेंगे। देन ये अगेन दूसरा सेक्शन, इसको भी हम इसको स्प्रेड कर लेंगे और यू पिन से हम इसको कवर कर रहे हैं बेस को ये देखिए। जस्ट आपको यू पिंस यूज़ करनी है इसके लिए, क्योंकि बेस जो आपने यूज़ करना है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल वाला बेस यूज़ करिएगा ये देखिए। इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। देन हमारा लास्ट सेक्शन बचता है टॉप वाला, उसको आपको पूरा नीट करना है ये देखिए। मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसका प्लेसमेंट सेंटर पे रखिएगा। देन ये लास्ट सेक्शन है, इसको आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है ये देखिए। जस्ट स्प्रे करेंगे ऊपर से और इसको आपको डाउनवर्ड्स जो है कॉम करना है, लाइटली हैंड से इसको आप कॉम करिएगा ये देखें। तो इस तरीके से आपको इसको जो है फुली कवर करना है नीटनेस के साथ ये देखिए। यू पिन से हम इसको सिक्योर कर लेंगे जस्ट लोअर पार्ट से। देन रेस्ट ऑफ हेयर्स को आपको इसको रोल कर देना है ये देखिए। इसको भी हम बॉबी पिन से सिक्योर कर लेते हैं, स्प्रे करना है इसको, नीट करेंगे हम। देन दोस्तों चलते हैं हम टॉप पे। टॉप के सारे सेक्शंस को हम ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमें बनानी है लेयर्स, पर हम इसमें छोटा छोटा बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे, बहुत माइनर सा बैक कॉम करना है ये देखिए। स्प्रे करना है अगेन, देन अगेन सेम सेक्शन लिया, इसको भी बैक कॉम किया, स्प्रे किया। स्प्रे आपको बहुत माइनर से यूज़ करना है बिकॉज हमें ये स्टिकी नहीं चाहिए, हल्का सा वॉल्यूम के लिए। और स्प्रे कोशिश करें आप लाइट होल्ड का स्प्रे अगर आप यूज़ कर सकते हो तो वो यूज़ कर लें, जिसके 2 नंबर 3 नंबर होल्ड पावर हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रांग अगर यूज़ कर रहे हो तो उसे आप बहुत कम यूज़ करें ये देखिए। देन सारे हेयर्स को हम इसको कॉम कर लेते हैं।
देन ये ओसिस का हेयर स्प्रे आपको यूज़ करना है फॉर शाइनिंग के लिए और फ्रिजनेस कंट्रोल के लिए। ये जस्ट मैंने टॉप एरिया पे इसको किया है ताकि ऊपर से थोड़ा शाइनी इफेक्ट आए और थोड़ा लुक इसका नीच आए। देन ये मैं बैम्बू स्टिक ये इसमें यूज़ कर रहा हूँ, स्टिक्स बोलते हैं, वुडन स्टिक आप कह सकते हैं। ये तो इनको सेंटर में ले लिया है और साइड साइड से इसको इसकी बाउंड्रीज मैंने इसमें बना ली हैं। देन आपको इसमें लेयर्स उठानी है, ये देखिए जस्ट फिंगर की टिप से मैं लेयर्स उठा रहा हूँ और उनको जस्ट ये थोड़ी डीपर लेयर्स हैं तो आपको इनको वर्टिकल उठाना है। देन आपको उसी लेयर्स को टिल एंड तक नीचे तक जहाँ तक आपको चाहिए आपको ये वर्टिकल उठानी है ऊपर की तरफ। ये देखिए स्प्रे करेंगे आप साथ साथ और इन लेयर्स को आपको फिक्स करना है। ये देखिए आप जितना इसको ऊपर की तरफ आप पुल करेंगे लेयर्स को उतनी ये इनकी अच्छी और इनकी लेंथ आएगी वर्टिकल, उतनी ये ज़्यादा डीपर दिखेंगे जितने आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे। और आपको सेम पैटर्न जो है आपको क्रिएट करना है। ये देखिए होल्डिंग के लिए आप यू पिंस यूज़ कर सकते हो या वुडन स्टिक भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी लेयर्स को होल्डिंग के लिए। ये देखिए स्प्रे करेंगे आप, नीट करेंगे, ये देखिए देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये लेयर्स की विजिबिलिटी हो रही है। काफ़ी डीपर्स हैं ये, आपको अगर और भी डीप चाहिए तो आप ऐसे भी और बड़े बड़े सेक्शन लेके आप डीप लेयर्स आप क्रिएट कर सकते हो सेम टेक्निक यूज़ करके। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लेयर्स आपको क्रिएट करनी है। ये देखिए जस्ट फिंगर की टिप से मैं इनको उठा रहा हूँ और देन आपको फिंगर की टिप से ही इनको नीट करना है लाइक प्रेस की तरह, हम प्रेसिंग की तरह जैसे दो प्लेट्स के बीच में हम प्रेसिंग की तरह हम बालों को प्रेस करते हैं वैसे दो फिंगर से आपको इसको प्रेस करना है डाउनवर्ड्स की तरफ। ये देखिए स्प्रे कोशिश करिएगा लाइट होल्ड वाला यूज़ करें तो आपकी लेयर्स ईजिली बनेंगी और स्टिकी भी नहीं होएगा सेक्शन। एग्जाम्पल के लिए ओसिस का स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो लेयर्स क्रिएट करने के लिए, उससे थोड़ा शाइनी इफेक्ट भी आएगा। ये मैं शबशियन का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ज़ीरो ग्रेविटी, बट ये थोड़ा कॉस्टली आता है आपका, पड़ेगा ये 1700-1800 का ये स्प्रे पड़ता है आपको, तो थोड़ा कॉस्टली है। आप हार्ड स्प्रे से भी बना सकते हो बट आपको स्प्रे कम यूज़ करना है फिर उसके लिए। ये देखिए इस तरीके से हम इन लेयर्स को क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये देखिए नीट करने हैं, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स जो आते हैं उनको आपको बिठा देना है। देन हम चलते हैं फ्रंट की तरफ, जो सेक्शंस या जो लेयर्स फ्रंट से नहीं दिख रही हैं तो आपको उनको ऊपर की तरफ पुल अप करना है और उनकी हाइट आप बढ़ा सकते हो पुल करके, नहीं तो अगर फ्रंट से नहीं भी दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें फ्रंट की स्टाइलिंग क्रिएट करनी है तो फ्रंट की स्टाइलिंग दिखेगी, ये जस्ट बैक लुक साइड लुक के लिए है। ये देखिए देन आपको पार्टीशन डिसाइड करना है लेफ्ट या राइट, जिधर भी आपको पार्टीशन देना है। ये देखिए इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड करना है फ्रंट के सेक्शन को। ये देखिए मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसको दो पार्ट में बराबर से डिवाइड कर लिया है। देन आपको इसको रूट एरिया पे हल्का सा बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है और जस्ट हम इसको इनवर्ड्स की तरफ अंदर की तरफ हम इसको रोल कर रहे हैं। देखिए इसको हम अभी होल्डिंग के लिए रख लेते हैं। ये देखिए वुडन स्टिक से ऐसे आप होल्डिंग के लिए रख लेते हैं। फ्रंट के सेक्शन को आपको आउटवर्ड की तरफ करना है, जस्ट आप रूट एरिया पे, ये भी बैक का सेक्शन है, इसको हम इनवर्ड्स बैक कॉम कर रहे हैं। ये देखिए हमने पीछे वाले सेक्शन से इसको मिला लिया अगेन। ये देखिए देन फ्रंट वाले सेक्शन को आपको पीछे की तरफ आपको उसको रोल करना है, बैक कॉम भी आप रूट एरिया पे करेंगे अगेन। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जस्ट आपको ये सेक्शन लेना है, दो सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है। जस्ट आपको रूट एरिया पे इसको बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है और जस्ट इसको पीछे की तरफ हमें रोल करना है। अभी हम इसको होल्डिंग के लिए रख लेते हैं। सेकंड पार्ट को भी आपको जस्ट रूट एरिया पे आपको बैक कॉम करना है। ये देखिए स्प्रे करेंगे आप, इसको भी आपको बैकवर्ड पीछे की तरफ आपको इसको रोल करना है, ट्विस्ट करना है बेसिकली। ये देखिए अगर आपको नीट लगती है बैक कॉम की तो आप और कर सकते हो, ये पीछे की तरफ हमने इसको जस्ट ट्विस्ट कर लिया है।
देन दोस्तों पहले आपको पीछे वाले सेक्शंस पे आपको हल्की हल्की लेयर्स आपको प्ले करनी है। ये देखिए जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रंट की तरफ इसको अच्छे से नीच कर लेना आपको। देन ये फिंगर्स की टिप्स से मैं पुलिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट ऊपर ऊपर मैं इसमें लेयर्स उठा रहा हूँ। ये देखिए जस्ट फिंगर की टिप से आपको ये लेयर्स उठानी है। ये देखिए जो नीचे आपने अदर हैंड से जो सेक्शन आपने ग्रिप किया है, काफ़ी आपको उसको लूज हैंड पे रखना है, ज़्यादा टाइट आपको ग्रिप नहीं लगानी है उसमें, नहीं तो आपकी पुलिंग टेक्निक यूज़ नहीं हो पाएगी। ये देखिए देन फ्रंट के सेक्शन को भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, जस्ट आप इसको बैकवर्ड कॉम करेंगे, देन हम ये फिंगर्स की टिप से जो है लेयर्स को और भी शार्प करेंगे। ये देखिए देन हम फ्रंट की लेयर भी आपको सेम इसी टेक्निक से यूज़ करनी है। ये देखिए जस्ट ट्विस्ट किया सेक्शन को, ये फिंगर के टिप से लेयर्स उठाई और उनको आपको शार्प करना है। मैं जस्ट इसको बैकवर्ड की तरफ कॉम कर रहा हूँ, ट्विस्ट किया सेक्शन को और पीछे हमने इसको वुडन स्टिक से होल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों स्प्रे करना है आपको, नीट करना है जो लेयर्स आपने पीछे वाले सेक्शन पे बनाई हुई हैं उनको हम शार्प कर लेते हैं, नीट करना है आपको। देन फ्रंट पे भी हम जस्ट सेम पैटर्न क्रिएट करने वाले हैं लेयर्स के साथ में, बट आपको थोड़ा इसको बैकवर्ड की तरफ आपको ये लेयर्स बनानी है और सेक्शन को लूजी रखना है। ये हमने वुडन स्टिक से अभी होल्ड किया हुआ है। देन हम दोनों लेयर्स को, पीछे वाले सेक्शंस की लेयर्स को और फ्रंट वाले सेक्शंस की लेयर को, दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, एक पॉइंट पे हमें इसको मिलाना है। तो आप यूज़ करेंगे यू पिंस या जूड़ा पिंस, इनविजिबल पिंस भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए जस्ट मैं सेंटर पॉइंट पे उनको कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों सेक्शंस की लेयर्स को। ये देखिए इस तरीके से अगेन ये फ्रंट वाले सेक्शंस की लेयर को आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। ये देखिए जस्ट ट्विस्ट किया और आपकी लेयर्स को आपको पुल करना है। ये देखिए जस्ट पीछे तक जहाँ तक हमने ये पोनी बनाई है वहीं तक आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है, साइड लुक के लिए और फ्रंट लुक के लिए। ये देखिए ये लेयर्स को आप ऊपर की तरफ पुल करके और भी आप शार्प कर सकते हो। देखिए जस्ट टेलकॉम की टेल्स को आपको नीट करना है दोस्तों। फ्रिजी है जो भी हैं, जिस सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको आप पहले ही नीट करके चलें, अदरवाइज़ बाद में आप उसको नीट नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि जिस सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो उसको आप अच्छे से क्रिएट करके चलें। स्प्रे करना है आपको, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स जो आते हैं उनको आपको साथ साथ सेक्शन के अकॉर्डिंग जिस वे में वो जा रहा है उसी वे में आप उसको सेटल करें, सेट करें। ये देखिए सो इस तरीके से आपको ये पैटर्न जो है क्रिएट करना है दोस्तों। फ्रंट लुक जब हम ये क्रिएट कर रहे हों तो आप थोड़ा फ्रंट से आपको स्टाइलिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी कि ये आउट ऑफ फेस तो नहीं जा रहा है, सामने मिरर पे देखते हुए आपको काम करना है कि अगर आपको आउट ऑफ फेस लगता है तो आपको इन सेक्शंस को थोड़ा अंदर की तरफ आपको उनको पुश करना पड़ेगा, इनका वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा, फेस के अकॉर्डिंग ही आपको ये देना है या आपको अदर साइड से भी उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है और टॉप में भी आपको इसको बैलेंस करना है। ये देखिए जैसे हम इसमें टॉप में इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट हमने साइड से एक सेक्शन लिया है, दूसरे सेक्शन से इसको जस्ट रूट एरिया पर बैक कॉम किया और पीछे वाले सेक्शंस के साथ में सेम पैटर्न क्रिएट करते हुए हमने जस्ट टॉप एरिया को कवरेज दे दी है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो आपको इवन वॉल्यूम दिखाना और स्टाइलिंग जो है फेस के अकॉर्डिंग करना, वो आपको जस्ट हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ता है। तो आप हिट एंड ट्रायल करके एक बेस्ट एक इजी मेथड है, हिट एंड ट्रायल करके आप जस्ट सेक्शन को देख सकते हो कि कैसा जा रहा है, देन आप उसको सेट कर सकते हो। ये देखिए तो इस तरीके से आप ये पैटर्न क्रिएट करोगे, देन अदर साइड से इस साइड से भी हम सेम वॉल्यूम सेम पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं बट जस्ट बैकवर्ड की तरफ आपको इसको कॉम करना है। ये देखिए अभी हमने इसको होल्ड कर लिया है, फ्रंट के सेक्शन को भी आप जस्ट बैक कॉम करोगे रूट एरिया पे। ये देखिए जस्ट बैक कॉम करना है, स्प्रे करेंगे, हमें वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसको जस्ट बैक कॉम जो रूट एरिया पे है थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना आपको वॉल्यूम चाहिए। ये देखिए
देन दोस्तों आपको सारे सेक्शन को एक साथ लेके जो है इसको कॉम करना है। ये देखिए नीट करेंगे, छोटे छोटे फ्रिजी हेयर को, फ्लाई हेयर्स को आपको जस्ट कॉम थ्रू करना है बैकवर्ड की तरह। देन हम इसको होल्ड कर लेते हैं वुडन स्टिक से, और इस साइड भी आपको सेम आपको लेयर्स क्रिएट करनी है। ये जस्ट मैं टेल कॉम से और फिंगर की टिप से मैं जस्ट ये लेयर्स ऊपर ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ इसके। जब आप लेयर्स बना रहे हैं तो पहले आप ड्राई हेयर पे लेयर्स बनाएं, और जब आपकी लेयर्स की विजिबिलिटी हो जाती है देन आप स्प्रे करके उसको आप फिक्स कर सकते हो। दोस्तों अभी लेयर्स जो है वो काफ़ी तरह की हैं, कोई सॉफ्ट लेयर्स है, कोई डीप लेयर्स बनाता है, और कोई बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स बनाते हैं। अभी ये भी डीप है लेकिन ये मीडियम डीप है। आगे आने वाली स्टाइलिंग पे और भी ज़्यादा डीप लेयर्स क्रिएट होंगी, जो आपका पफ तो ख़त्म ही हो जाएंगे, पफ की स्टाइलिंग ख़त्म हो जाएगी, ओनली आपकी ये लेयर्स की स्टाइलिंग ही रहेगी। सो आगे आने वाली स्टाइलिंग आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो साइड से भी आप इस तरीके से आप लेयर्स क्रिएट करेंगे, जस्ट आपको टेल कॉम से नीट करना है फिनिशिंग के साथ। जस्ट आपने पोनी के साथ में इसको अटैच कर लेना है, जो पीछे हमने बेस दिया है उसके साथ में आपको इस सेक्शन को होल्ड कर लेना है। फिनिशिंग इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो जब भी आप काम कर रहे हो स्टाइलिंग को बड़ी फिनिशिंग के साथ में बनाइए, उतना अच्छा आपका ग्रेस आएगा जब आपकी स्टाइलिंग कम्प्लीट होगी। ये देखिए जस्ट आपको बैलेंस करना है बाउंस को, देन चलते हैं हम पीछे की तरफ। जो भी सेक्शन आपने पीछे जो है बेस के ऊपर टेम्परेरी आपने ये लॉक्ड किए हैं उनको आपको बॉबी पिन से टाइट करके सिक्योर कर लेना है। ये देखिए मैं जस्ट जूड़ा पिन भी यूज़ कर रहा हूँ फॉर लॉकिंग के लिए, और ये बॉबी पिन से आपको इनको लॉक कर लेना है। ये देखिए जस्ट क्रिस क्रॉस करके आपको सेक्शंस को लॉक कर लेना है, ये जस्ट बेस के ऊपर ही आपको ये लॉक करना है। अभी दोस्तों हमारे पास में कम हेयर हैं, अगर आपके पास में कम हेयर होते हैं तो आप हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास में हेयर एक्सटेंशन भी नहीं है तो अभी जैसे जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए। आपके पास में बहुत कम बाल भी हैं तो ये वाली टेक्निक यूज़ करके आप बहुत ईजिली से आप एडवांस लुक आप दे सकते हो। ये देखिए जस्ट मैं छोटा सा सेक्शन लिया है, इसको आपको स्प्रेड करना है, और स्प्रेड करने के बाद में आपको उसको पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, और देन हम इसको फिक्स करेंगे यू पिन से, जूड़ा पिन से, या फाइन इनविजिबल पिन भी आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप की स्टाइलिंग को लॉक करने के लिए। ये देखिए जस्ट आप इसको वुडन स्टिक से हम इसको होल्ड कर लें फॉर शेपिंग के लिए। ये देखिए देन इस सेक्शंस को भी हमने जो पहले सिक्योर किया था टॉप्स पे, इसको भी जस्ट आपको ये यू पिन से इसको बेस में पहले आप इसको लॉक करेंगे ताकि ये थोड़ा वॉल्यूम होके आएगा। देन आपको स्प्रे करना है, इसको कॉम करना है, नीट करेंगे, देन अगेन सेम आपको स्प्रेड टेक्निक यूज़ करनी है। ये देखिए प्लेसमेंट के हिसाब से आपको इसमें काम करना है, आपको बेसिकली पफ को जो हमने बेस जो हमने क्रिएट किया है उसको आपको फुली कवर्ड करना है, लेकिन ये आपको पैटर्न क्रिएट करना है। जस्ट स्प्रेड टेक्निक यूज़ करेंगे और पुलिंग टेक्निक, हमें ये स्टाइल फ्लफी चाहिए, बैक से हमें बन क्रिएट करना है। ये देखिए अगेन जस्ट छोटे छोटे सेक्शन आपको लेते चले जाना है और स्प्रे करना है, नीट करना है, स्प्रेड टेक्निक यूज़ करते चले जाएंगे। ट्विस्ट टेक्निक भी आपको इसमें यूज़ करनी है, ये मैंने जस्ट ऊपर की तरफ सेक्शन को ट्विस्ट किया, देन अगेन इसको स्प्रेड करके हम इसमें लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये क्रिएट कर रहे हो दोस्तों कि मैं तो स्टाइलिंग बनाता हूँ, तो आप भी सेम इसी तरीके से आप सेक्शन नहीं ले सकते हो, बस जस्ट आपको टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है कि टेक्निक किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ मैं। और जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट का ध्यान देना है कि कहाँ ये सेक्शन अच्छा लगेगा, आपको जस्ट इटेंट फाइल करना है कि कहाँ ये सेक्शन की नीड है, कहाँ ये सेक्शन होना चाहिए, देन आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए देन रेस्ट ऑफ हेयर्स को भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करके आपको उसको कंप्लीट करना है। जस्ट अगेन एक और सेक्शन लिया, हल्का सा इसको बैक कॉम किया रूट एरिया पे बिकॉज ऑफ वॉल्यूम के लिए, देन इसको कॉम किया, ये स्प्रेड किया डाउनवर्ड्स की तरफ, देन ये यूज़ करी हमने यू पिंस। ये देखिए अगेन स्प्रेड किया, ये यू पिंस आपको होल्डिंग के लिए यूज़ करनी है।
ये देखिए, देन इसको आपको स्प्रे करना है, नीट करना है और रेस्ट ऑफ सेक्शंस को भी आपको उसको बेस के साथ में कवर कर देना है। ये देखिए एक और सेक्शन लिया जैसे हमने टॉप पे, इसको भी आपने स्प्रेड किया। बेसिकली आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है, आपको फुली बेस कवर करना है सेम टेक्निक के साथ में। पीछे से जो बन जो है वो फ्लफी लगना चाहिए, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए और सॉफ्ट लगना चाहिए। ये देखिए जैसे हमने इस पर स्प्रेड किया और पुलिंग टेक्निक से इसमें लाइंस क्रिएट करी, और जैसे ये वुडन स्टिक से आपको जैसे इसको होल्ड कर देना है। अभी जो आप स्प्रे यूज़ कर रहे होंगे, आपको उसको जो है जब आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हो तो आप लाइट होल्डिंग के लिए स्प्रे आप यूज़ करो, और बाद में आप जब आपकी स्टाइलिंग फिनिश हो जाती है देन आप उसमें हार्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए। ये देखिए सेम टेक्निक अगेन ट्विस्ट किया और पुलिंग टेक्निक में यूज़ कर रहा हूँ। ये जस्ट बेस के साथ में हमने इसको अटैच कर लिया है। सो दोस्तों बस यही टेक्निक आपको उसमें यूज़ करनी है स्टाइलिंग के लिए, स्प्रेड और पुलिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है। हमें ये ज़्यादा बड़ा बन नहीं चाहिए था इसलिए हमने छोटा बेस यूज़ किया। अगर आपको बन बड़ा चाहिए तो आपको थोड़ा बेस भी जो है बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप ये पैटर्न जो है क्रिएट करोगे दोस्तों। ये रेस्ट ऑफ हेयर्स को भी आपको जस्ट सेम पैटर्न आपको प्लेसमेंट के हिसाब से आपको इसको फिक्स करना है। ये हमने एक छोटी सी लेयर्स ली तो जस्ट आपको इसको लेयर्स क्रिएट करके, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। जस्ट साइड कॉर्नर्स पे ले जाके सेम अदर सेक्शन आप एक और लेंगे और इसके इक्वलिटी में एक और लेयर्स आप क्रिएट करेंगे। ये देखिए इसके बराबर में हमने एक और लेयर्स हमने क्रिएट कर ली है। ये देखिए थोड़ा सा प्लेसमेंट का सेटअप का थोड़ा सा माइंड है दोस्तों, जब आप स्टाइलिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि अब इस सेक्शंस को कहाँ हम सेट करें, किधर अच्छा लगे। तो हिट एंड ट्रायल तो आपको करना ही है और उससे आपको पता लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली इसकी नीड कहाँ होनी चाहिए, किस सेक्शन कहाँ पे अच्छा लगेगा। जैसा आपको हिट एंड ट्रायल करने से ही पता चलेगा। ये देखिए सो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आने वाली है। देन हम इन सारे सेक्शंस को जो है फाइन इनविजिबल पिन से, यू पिन से इनको हम सेट करेंगे। ये देखिए टेक्सचर आप और भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट पुलिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है। जो लेयर्स आपने बनाई हुई हैं स्प्रे करेंगे, सेट करेंगे जिस पैटर्न को आपने क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये पैटर्न क्रिएट करोगे। ये मैं यू पिंस यूज़ कर रहा हूँ, जुड़ा पिंस यूज़ कर रहा हूँ इनकी फिक्सिंग के लिए। फाइन पिंस भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैंने फ़ाइन पिंस का जिक्र किया है, कैसे उसको लॉक करना है और कैसे ये होती हैं। ये देखिए देन आपको इस सारे पैटर्न को फिक्स करना है, स्प्रे करना है, छोटे छोटे जो फ्लाई हेयर्स हैं उनको आपको उसको नीट करना है, फिनिशिंग टच देना है अपना दोस्तों। ये फ्रंट साइड से भी चलते हैं हम। ये जो यू पिंस हमने होल्डिंग के लिए लगाई थी सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, उनको भी आपको इंसर्ट कर देना है, अंदर डाल देना है जो उनका कनेक्टिंग पॉइंट है। बट आपको थोड़ा वर्टिकली इनको रखना है ताकि ये टॉप से विजिबल ना हो, अदरवाइज़ आप इनको रिमूव करके आप यूज़ कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको ये स्टाइलिंग होगी। देन बाद में आपको ये वुडन स्टिक और जो जुड़ा पिंस आपको नहीं चाहिए उनको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए जहाँ पे मुझे नीड है यू पिंस यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ से मैं यू पिंस को हटा रहा हूँ, बिकॉज हमारा पैटर्न अभी सेट हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से आप ये क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये देखिए सो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आनी है। ये देखिए ये हम वुडन स्टिक को हटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की लुक आएगी जब आप सारे यू पिंस को और वुडन स्टिक को आप हटा लेंगे, कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा। सो दोस्तों यह है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। देन हम इसमें यूज़ करेंगे हेयर एसेसरीज़,
हेयर एक्सेसरीज आप छोटे छोटे बीट्स आप बीच बीच में आप लगा सकते हो। ये देखिए ये छोटे छोटे से बीट्स आपको कुछ इस तरीके से इसमें लगाने हैं, जस्ट प्लेसमेंट के हिसाब से या सेंटर पॉइंट पे या डीपर पॉइंट पे आप ये लगा सकते हो हेयर एक्सेसरीज। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी लुक आनी है। सो दोस्तों ये है कंप्लीट लुक, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो ये है कंप्लीट लुक दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपने प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट जरूर करें, रिएक्शन जरूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन जरूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।